नमस्कार दोस्तों, मैं हैरी, स्टडी पॉइंट 6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान का। इस सेशन के सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हर प्रश्न के लिए 4 ऑब्जेक्टिव विकल्प रहेंगे। इस सेशन को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि इन क्वेश्चन आंसर को याद रखने के लिए आपको किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर आप मन में सोच लीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यह 342,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। और अगर हम बात करें भारत की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभी कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 29 राज्य थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत चक्रवर्ती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। दोस्तों अगर आपने हमारा गंगा नदी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, तो आप उस पर क्लिक करके गंगा नदी के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। पहले हमने बात करी थी भारत की सबसे लंबी नदी की, जो गंगा नदी थी। अब भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में बना हुआ है। इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध की लंबाई 26 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर है, कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का नाम भी दिया गया है। और ये कहाँ पर है, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बनी हुई है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, 1916 में, आज़ादी के पहले। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में, अगर आपने जीके पढ़ा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहर सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, जवाहर सुरंग। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो वो है पीर पंजाल। ठीक है, लेकिन हाल ही में बनने जा रही है भारत की सबसे लंबी सुरंग, जिसका नाम है जोजिला सुरंग, और उसकी लंबाई है 14.2 किलोमीटर। ठीक है,
ये भारत की सबसे बड़ी सुरंग रहेगी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, इसका सही आंसर हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमलजीत सिंधु। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये क्वेश्चंस तो आपने कई बार पढ़ा होगा, बछेंद्री पाल, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, भारत की प्रथम महिला IPS का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस, तो कौन थी, इसका सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी। किरण बेदी की आपने फिल्में भी देखी होगी, ठीक है, महिला IPS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा M. फातिमा बीबी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो आप सभी को पता ही होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, यहाँ पर ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कब बने थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तभी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री कब बनी थी और उनका नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कविता की पुस्तक गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीना कौशल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा
हे। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1913 में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु शब्द से। भारत के अंग्रेजी नाम की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत खंड भारत का क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नाम। भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा रीढ़। जो कृषि है हमारी भारतीय कृषि, वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। भारत में सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ सबसे कम जनसंख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है? इसका सही आंसर हो जाएगा किशन कन्हैया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्यजीत राय। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वासर राय थे? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वासर राय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृता कौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीपी मालवंकर, ये लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा द न्यूज़ टुडे। द न्यूज़ टुडे भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। उसके बाद अगला प्रश्न, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिथाली राज। मिथाली राज दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केजे उदेशी। केजे उदेशी प्रथम भारतीय महिला उप गवर्नर बनी रिजर्व बैंक की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा मीरा कुमारी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी, और अभी वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला। चलिए अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है, जो कि नर्मदा तट पर बनाई गई है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी वी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक शास्त्र के लिए सन 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चंस में अगले वीडियो में लेके आने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास में लगी घंटी को भी दबाएं, ताकि जब मैं आगे के क्वेश्चंस लेके आऊँगा तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।